शिंकला पास वो तो नहीं है, वो पीछे देखो वहाँ पे फॉर्च्यूनर, उसके आगे 500 और उसके पीछे इनका बाप जोरावर। देख गाइस, फाइनली अपनी जोरावर शिंखुला टॉप के सामने खड़ी है। अब बर्दाश्त नहीं है भाई हवा, पर वो तो भाई एकदम जन्नत लग रही है। मतलब हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एमजे सागा। आई एम श्योर कि आप लोग सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, जून की गर्मी बहुत ज़्यादा दुखदायी हो रही है, क्योंकि 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है दिल्ली एनसीआर का। तो उसी के साथ हमने डिसाइड करा कि अब जो है लद्दाख जाने का टाइम आ चुका है। जी हाँ, आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि हम लद्दाख की तरफ निकल रहे हैं। क्या आइटिनरी होगी, मनाली से किधर हम निकलेंगे, वो तो यार ऑन द वे आपको पता लग ही जाएगा। लास्ट ट्रिप गाइस हमने आदि कैलाश ओम पर्वत रोड पे डार्मा वैली जो पड़ता है उसके ऊपर करी थी, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो यार बहुत सारी प्लानिंग है, प्लानिंग तो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि यार ट्रैफिक भी होगा क्योंकि जून स्टार्ट हो गया है। देखते हैं कि भाई कैसा होने वाला है, स्ट्रगल होता है, मजे आते हैं, एडवेंचर होता है, एड्रेनल रश होता है। तो गाड़ी पूरी पैक है, 7 बजे के आसपास का टाइम है, बस निकलने वाले, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम होता है गुड़गांव से। एंड आई एम श्योर जो गुड़गांव और दिल्ली से निकलते हैं वो इसी टाइम पे निकलते होंगे। तो चलो जल्दी निकलते हैं, जे वेट कर रही है और जोरावर भी। चलो ऑन द वे मिलते हैं। तो फाइनली भाई हाईवे हिट कर दिया है और अपनी जोरावर बोरी। सो गाइस, अब जो है जोरावर की एक झलक देख लो, जो थोड़े कॉस्मेटिक चेंज करे हैं वो कैसे लग रहे हैं। अपना बैग आ गया है, स्पेयर व्हील बैग, ठीक है। और अब लग रही है पूरी गाड़ी टैंक की तरह, इसमें जो है अपना छोटा मोटा सामान अपना आराम से आ जाता है। आगे ट्रिप में मैं ज्यादा दिखाऊंगा आपको। ये हाँ जी, लद्दाख के लिए रेडी हो? तो भाई लड़की जो है लद्दाख के लिए रेडी है और गुड़गांव से अभी तक निकले नहीं है, और अपनी जोरावर तो भाई एक नंबर लग रही है, क्या ही बोलूं। तो भाई अब जो है टाइम बहुत कम है, क्योंकि हमें पहुंचना है अटल टनल जल्द से जल्द, सवेरे से पहले हमें पार करना है, तभी आगे लद्दाख का सपना बिना ट्रैफिक के पूरा हो पाएगा। तो अभी जल्दी से गाड़ी भगाते हैं, पेट्रोल फुल करवा लिया, ट्रिप जीरो करते हैं और सीधा हाईवे पे मिलते हैं केएमपी। तो चलो भाई, जय भोलेनाथ, और गुड़गांव से अपना सफर स्टार्ट होता है। मैडम चले लद्दाख, लद्दाख इज वेटिंग, लद्दाख हम आ रहे हैं, जरा वेट कर। और इंडिया का झंडा फहराने हम आ रहे हैं। चलो भाई, मोदी जी के जीतते ही झंडा फहरेगा लद्दाख में। और अब टाइम कम है, जल्दी से रवाना होते हैं। और बारिश हो गई थोड़ी सी, तो मजा आ गया। मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश आज हो गई ना, अब लग रहा है मस्त मौसम होगा ऊपर भी। तो गाइस ये आ गई हमारी फ्लैगशिप वाली इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आ गया, लेपर्ड ट्रेल है, गुड़गांव में बहुत फेमस है। तो अपना जो घर है सोना रोड के पास है, और यहाँ से लेपर्ड ट्रेल से निकलते हैं हम जयपुर हाईवे से कनेक्ट करते हुए केएमपी की तरफ, और केएमपी 10-15 मिनट में हम कनेक्ट कर जाएंगे, और उसके बाद 70 किलोमीटर का स्ट्रेच सीधा अपना मूर्थल। तो सीधे गाने के मूर्थल में भाई, इस पूरी ट्रिप में कोई भी जंक नहीं। तो भाई केएमपी जो है पहुंच चुके हैं हम, कुंडली मंडली पलवल। 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि फास्टैग में दिक्कत होती थी पहले, बट अब जो हमने फास्टैग आईसीआईसीआई बैंक का करवा लिया, क्योंकि पेटीएम का तो खत्म हो गया मामला, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये केएमपी जो है बेस्ट है, रादर देन दिल्ली से आप पंजाबी बाग होते हुए फिर उसके बाद बाईपास कनेक्ट करके मूर्थल जाओ और इतना ट्रैफिक इतना घिचविच में फंसो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल सकते हो ना लंबे स्ट्रेच के लिए। तो भाई केएमपी डायल करो और अब देखना कितनी जल्दी हम पहुंचते हैं। तो भाई फाइनली जो है मूर्थल आ चुका है, और यहाँ पे मूविंग ट्रैफिक है, ट्रक है, ट्रक भी है, 10:30 होने वाले हैं और ट्रैफिक इतना है अभी भी। भाई सब कोई भी ट्रिप ना सिद्धू मूसेवाला के गाने सुने बिना नहीं पूरी होती, सही बता रही हो। तो बस इसी तरह गाने सुनते रहे, याद करते रहे और इन रास्तों को ना भूलते रहे। तो भाई सीन ऐसा है कि किस्मत अच्छी है, थोड़ी सी रिमझिम बारिश भी हो गई, आज मौसम जो था थोड़ा सा कुर्बान हो गया हम पे। और देखो मनी ट्रैफिक भी नहीं है,
मैंने बोला था ना सब लोग फ्राइडे ही निकल जाते हैं लेट नाइट। ये तो बेटा टीजर है, पिक्चर तो हमारी अभी पता चलेगी जब आप चंडीगढ़ पार करोगे और उसके बाद आप जैसे ही मनाली के हाईवे पे घुसोगे और आपका जो फेवरेट डैम है पंडोप का जो वो स्ट्रेच है 10-15-20 मिनट का जो कभी कभी आधे एक घंटा भी वेस्ट कर देता है उसका भी कुछ नहीं पता कि वो वहाँ पे अभी फिर रोकते हैं और चालू कर रहे हैं या फिर वो ओपन कर दिया है। तो गाइस फाइनली हरियाणा और अम्बाला का सामने गेट आ चुका है, यहाँ से लेफ्ट लो। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है गाइस कि हम सीधा निकल जाते हैं। 12:40 हो रहे हैं, तेजी से कर लिया भाई, ट्रैफिक नहीं था और मजा आ गया। जैसे ही अम्बाला का गेट आता है कुछ नहीं करना, लेफ्ट में उतार लो गाड़ी क्योंकि सीधा जो है पटियाला की तरफ चला जाएगा और मैप कभी कभी सीधा रास्ता भी दिखाता है क्योंकि आगे से भी एक और रूट है। सो गाइज यहाँ पे जल्दी से मैप देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है चंडीगढ़ क्रॉस करने के बाद अंधेर है तो कुछ ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। श्रृंखला टॉप चंडीगढ़ से 405 किलोमीटर मैप दिखा रहा था, 10 घंटे ऑलमोस्ट एज पर द मैप है, बट आई एम श्योर ज़्यादा टाइम लगेगा। मेन हमारा गोल था कि हम लोग मनाली पहुँचे, मनाली के बाद विल ट्राई कि हम जो है सिसु क्रॉस करके कीलोंग क्रॉस करके जिसपा होते हुए आगे को बढ़े। और मनी और मैं यही डिसाइड कर रहे थे कि आज जो है श्रृंखला टॉप पर गाड़ी लगा के ही रहेंगे। आई नो लंबा स्ट्रेच है बट मजा आएगा। एंड इसी तरह पता भी नहीं चला रात को कि हमने कैसे हिमाचल के गेट में एंट्री ले ली एंड बैक टू बैक टनल्स। रात के 2-3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कुछ एक आध टैक्सी वाले ऐसे भी होते हैं। देखो ये मनाली का खाली हाईवे है कि कोई ऐसा रश नहीं है, बट लोग इतने पागल हो रखे होते हैं ना, मतलब खाली रोड पे भी एक दूसरे के साथ रेस करनी है, देख रहे हो। और भाई हाईवे जो है एक नंबर है, 3:20 हो रहे हैं, 3:20, खाली रास्ता, खाली तो नहीं, रनिंग ट्रैफिक है। सो गाइस देख लो यार, एक घंटा लेट क्या हुआ है, मतलब 6:30 हो रहे हैं, 6:30 के आसपास, और देख रहे हो फिर से 1947 कैफे वाली जो रोड है अपनी वशिष्ठ वाली, पूरा इसमें जाम लगा हुआ है। हो सकता है आगे जो वन वे करके खोलते हैं एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। सो गाइस देख लो भाई, कोई पुलिस वाले नहीं है और देखो अंधी मचा रखी है यहाँ पे, तभी सब मस्ती से लगे हुए हैं, फुल मजे ले रहे हैं जिंदगी में, मोस्टली पंजाब वाले देख रहे हो भाई, सुबह सब पहुंचे हुए। तो भाई टांडी के पास पहुंच गए हैं, पेट्रोल पंप जो है टांडी पे अपना लास्ट, ठीक है, वो रही अपनी जोरावर। यहाँ पे जो है जेरिकेन ले लिया है, 10 लीटर वाला जेरिकेन ले लिया है सेफर साइड के लिए। बाकी यार अपना जो जेरिकेन लगा हुआ है ना, इस जेरिकेन ये लोहे का है और मैं नहीं चाहता लोहे में ना डीजल डाले और कुछ जंक वंक मिक्स हो। टांडी पेट्रोल पंप से पहले सेफर साइड में इसको भरवा लेते हैं। भाई तांडी में ना बड़ा हिसाब खराब कर रखा है, देखो वहाँ से ट्रक वहाँ घुस रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कोई साइन नहीं लगा रखा, किसी बंदे को नहीं खड़ा कर रखा कि भाई डीजल के लिए गाड़ियाँ इधर से घुसाओ। अब बताओ बंदा कैसे करेगा, वहाँ देखो ट्रकों ने ब्लॉक कर दिया रास्ता। तांडी से पेट्रोल और जेरिकन फिल करा के वी वर सो एक्साइटेड टू हेड टुवर्ड्स जिसपा, क्यों, क्योंकि जिसपा में हमारा फेवरेट फूड स्पॉट है। सो वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी आंटी हैं जो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं, तो चलो अब जिसपा में ही मिलते हैं और इन नज़ारों का मज़ा लेते हैं। भाई
भाई मजा आ गया मेरे को तो। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना जिसपा, मुझे तब भी बहुत पसंद आया था, ऑल्दो तब इतना ग्रीन नहीं था, बट बहुत ही पीसफुल सा है यार। खुली रोड्स में गाड़ी भगाने में क्या मज़ा आता है ना, बट पहाड़ों में आके ये ट्रैफिक ना मिले हो ही नहीं सकता। गाइस फाइनली जो है जसपा पहुंच चुके हैं, और अपना जो फेवरेट स्पॉट है ना खाने का, अगर कभी भी आओ नॉर्थ लेजर कैंप, इनके कैंप है यहाँ पे, हमारी आंटी हैं, अभी आपसे मिलवाते हैं, और एक नंबर खाना है। तो ये है छोटा सा और प्यारा सा फूड जॉइंट जो ये प्यारी सी आंटी जो है यहाँ पे रन करती हैं, और बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। तो वेन एवर यू विजिट जसपा, आपको ये रास्ते में ही मिल जाएगा, तो प्लीज़ डू चेक दिस आउट। और हमने यहाँ पे मज़े से आलू मटर की सब्ज़ी के साथ रोटी खाई, भाई तृप्ति मिल गई, कल से कुछ नहीं खाया था भाई, खाना खा के स्वाद आ गया। तो गाइस जसपा पे बीआरओ का बोर्ड है, यहाँ से हमें पहले दारचा चलना है, दारचा से फिर मुड़ेंगे हम शिंकुला पास के लिए, ठीक है, शिंकुला पास करके उसके बाद जाएंगे गौनबोरंजन। तो भाई धूप तो एकदम खतरनाक निकली हुई है। तो इन खूबसूरत नजारों का मजा लेते लेते हम बढ़ चले दारचा चेक पोस्ट की तरफ। दारचा चेक पोस्ट जो था यहाँ से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर था, तो कुछ ज़्यादा देर नहीं थी वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये जो साइड पे आप मेरे रिवर देख रहे हो, ये है भागा रिवर। भागा रिवर जो है वो सूरताल लेक से निकलती है, एंड इट मीट्स द चंद्रा रिवर एट तांदी, जो कि निकल चुका है ऑलरेडी। और फिर हमने क्रॉस किया दी दारचा ब्रिज, द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गाइस यहाँ पे लगा हुआ है जाम, दारचा का चेक पोस्ट है, यहाँ पे ट्रक व्रक सारे लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो है मेरे को लग रहा है 15-20-25 मिनट तो खर्च होंगे, या हो सकता है कम भी हो जाए। 11.5 का दे रही है एवरेज। तो भाई गाड़ी दे रही है अपना एवरेज 11.5 का, फुल टैंक है 905 किलोमीटर का, और ये इधर है 10 लीटर का एक्स्ट्रा, 10 लीटर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो अगर गेड़ी माननी हुई तो आराम से मार सकते हैं। तो यार सीन ऐसा हो गया है कि हम थोड़े से सख्त किस्म के इंसान हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा गाइस कि सीधा आप ना शिंकुला पास पहुंच जाओ। अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा सा एक्लिमेटाइज करने के लिए कोशिश करो जसपा या फिर सिसु, हमें एक रात काटो, क्योंकि बॉडी जो है ना ऑक्सीजन कम हो जाता है, और अगर पानी और खाना ऊपर नीचे होता है कितने भी स्ट्रांग हो, आप अजीब सा फील करने लग जाओगे। और एक बार वो अजीब सा फील होता है ना, ट्रस्ट मी गाइस, वो कम से कम कई दिनों तक रहता है, और मैंने कई वीडियोस में देखा है लोग परेशान हो जाते हैं। दारचा का चेक पोस्ट भाई चेकिंग तो हुई नहीं, बस साथ देके सबको भेज दिया उन्होंने, वाह। तो गाइस अपन को जो है यहाँ जाना है, देख रहे हो शिंकुला पादुम चिका, और ये जो पीछे दारचा का चेक पोस्ट था उससे सीधा यू टर्न लेके ऊपर पुराना रूट वो रहा बारालाचला से, यहाँ पे वो टेम्पू जा रहा है ना बारालाचला वाला है, और ये रहा हमारा पादुम गौनबोरंजन। तो दारचा चेक पोस्ट के बाद हमें काफ़ी हद तक टामिक रोड्स मिली, बट बीच बीच में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा था जैसा कि आप देख सकते हो। और फिर नज़ारे बदलने में टाइम नहीं लगा भाई, सब इतने खतरनाक रोड्स पहली बार देखे थे मैंने, मज़ा ही आ गया यार। भाई देख लो ऑफ रोड, ओ भाई मनी वहां से पानी कैसे निकल रहा है, देखो वाटर क्रॉसिंग, पूरी ये वाटर क्रॉसिंग आ गई है हमारी, और हमारी पंच की पावर देख लो भाई, पंच भी जा रही है लद्दाख। भाई पंच ने भी पंच मार दिया है, अरे पंच रुक गई, क्या हो गया, पानी तो नहीं चला गया मुझे लग रहा है पंच की ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना भाई, पंच नॉट बहुत बढ़िया गाड़ी है टाटा की,
मनी तभी आप मेरे को बोलते तुम ले लो जरावर को छोड़ो। बट यार बात ये है कि देखो स्किल्स पे होती है सारी बात, कहीं भी आप कुछ भी ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस ये है कि ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस से आपकी गाड़ी नीचे से कम डैमेज होती है। ये देखो ये सलमान चलमान ये सलमान का भाई चलमान भाई खतरनाक रास्ता, अपनी जोरावर का फेवरेट। ओ भाई रुक जा भाई साहब, देख लो वाटर क्रॉसिंग खतरनाक। वाटर क्रॉसिंग है टॉप डॉग सस्पेंशन, गाड़ी जो है बिल्कुल भी झूला नहीं झूल रही, बिल्कुल भी नहीं, सीधा सीधा निकल रही है। तो टॉप डॉग को इसलिए टॉप डॉग कहा जाता है क्योंकि है भाई ये कितनी लंबी थी वाटर क्रॉसिंग ये है ना अपनी एक्सयूवी 500 भी आ गई खटाखट। मस्त मजेदार है भाई ये तो। भाई ने कैमरा कहाँ लगाया हुआ? जय जवान जय किसान। तो गाइस ये देखो एक और पैच आ गया है बिल्कुल पथरीला, यहाँ पे जा रही है आपकी आगे फॉर्च्यूनर, उसके आगे एक्सयूवी 500 और उसके पीछे इनका बाप जोरावर। देख लो भाई टफ डॉग के सस्पेंशन, देखो देखो फॉर्च्यूनर कैसे लहर रही है, देखो देखो कैसे लहर रही है। लिंप कर रही है भाई, इसकी गाड़ी लिंप कर रही है। देखो देखो हमारी इतनी लोडिंग के बाद गाड़ी आराम से चल रही है, भाई की गाड़ी लिंप कर रही है। ओ भाई साहब बिना सामान लादे चल भाई चल 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 भाई खतरनाक। तो भाई जैसे आप पेडल प्रेस करोगे ना एकदम से गाड़ी जो है इंक्लाइन की वजह से और हाई एल्टीट्यूड की वजह से एकदम से भाग नहीं रही, थोड़ी सी लिम्प करेगी। तो या तो आप मेंटेन रखो स्पीड या फिर धीरे से सस्टेन करो स्पीड। तो मैंने 4x4 भी डाल लिया, उसमें भी वही हो रहा है और इसमें भी 2x2 भी ऐसे हो रहा है। कितना खतरनाक है ये तो। अब ये फंसेगा, इसको जानबूझ के लेकर आ रही है, जब इसको दिख रहा है कि सामने से आ रही है गाड़ी, हॉर्न भी नहीं बज रहा है। सच में इतना ज्यादा मुंह पर आ गए हाइट पे कि हॉर्न भी नहीं बज रहा। और कितनी क्लीन वे में उन्होंने देखो इसको समेटा हुआ है बर्फ को।
देखना नीचे जंक का देखो। ठीक है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से। हाँ निकल जाएगी थोड़ा, हाँ करो करो निकालो निकाल लो, हाँ निकल जाएगी। चलिए जनाब निकल जाएगी। गाइस फाइनली अपनी जोरावर शिंखुला टॉप के सामने खड़ी है। तो भाई ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे यार, और अपनी बेबी ब्यूटी जोरावर फाइनली शिंखुला टॉप फतेह। आयरन मैन टफ डॉग थैंक यू। देख लो भाई शिंखुला टॉप ये रहा। और गाइस वहाँ पे ना झील है देखो, बिल्कुल लाइट ब्लू कलर की, वो देखो बिल्कुल बर्फ है, इसको कहते हैं नज़ारे। और भाई रुका नहीं आ रहा, पूरा बर्फ से ढका हुआ है और इतनी तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना भाई, और ऊपर से शॉर्ट्स पहने हुए, अब बर्दाश्त नहीं है भाई हवा। पर वो तो भाई एकदम जन्नत लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कैलाश मानसरोवर सरोवर की झील हो। We only need the two of us together. Cause we got love.